झारखंड के जनपद सिमडेगा के बानो प्रखंड में जिला परिवहन विभाग सिमडेगा के द्वारा शहरी क्षेत्र अंतर्गत झूलन सिंह चेक नगर भवन के समीप वाहन जांच अभियान चलाया गया वाहन जांच के दौरान हेलमेट व मास्क के प्रयोग का वाहन चलाते वक्त सड़क पर अनुपालन की निगरानी की गई। जांच के दौरान जो व्यक्ति हेलमेट एवं मास्क का प्रयोग वाहन चलाते वक्त नहीं करते हुए दिखे उन चालकों के विरुद्ध एक का चालान काटा गया इस दौरान नगर भवन के परिसर में दो पहिए वाहनों का कतार देखा गया वाहन जांच का निरीक्षण करने अनुमंडल पदाधिकारी सह जिला परिवहन पदाधिकारी श्री कुंवर सिंह पाहन नगर पहुंचे, जहां उन्होंने नगर भवन के समीप खड़े महिला एवं पुरुषों को देख उन्हें कहा कि आप लापरवाही के कारण आप लोगों को इस वक्त यहाँ रुकना पड़ रहा है जब आप लोग वाहन का प्रयोग करते हैं तो उस वक्त अनिवार्य रूप ऐसी हेलमेट एवं मास्क का प्रयोग करें आप लोगो को कोरोना को देखते हुए अति आवश्यक कार्य से ही घरों से बाहर निकलें। कोविड 19 के वैश्विक महामारी के साथ सड़क सुरक्षा के नियमों के तहत वाहन चलाते वक्त हेलमेट एवं मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग करना है जो व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करते हुए पकड़े जाएंगे उनके विरुद्ध जुर्माना राशि वसूली जाएगी आप लोगों के महत्वपूर्ण कार्यो के साथ साथ हेलमेट एवं मास्क का प्रयोग भी जरूरी है वाहन जाँच के दौरान सड़क सुरक्षा के आई मैनेजर श्री ब्रजेश कुमार प्रधान लिपिक वर्मा जी संजय एक उपस्थित थे अखंड भारत न्यूज के लिए वीरेन्द्र तिवारी की रिपोर्ट सिमडेगा झारखंड के जनपद सिमडेगा में प्रवासियों की घर वापसी जिला में निरंतर जारी है वैसे सरकारी भवन जिनका उपयोग वर्तमान में नहीं हो रहा है साथ ही कोविड 19 की इस संकट की घड़ी को देखते हुए उपयोग में लाए जाने वाले भवनों को क्वारंटाइन केंद्र में परिवर्तित करते हुए रेड जोन ऐसी आने वाले प्रवासियों का ठहराव मूलभूत सुविधा के साथ कराया जा रहा है आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बम्बल अनुमंडल पदाधिकारी श्री कुंवर सिंह पहान सदर वीडियो ऐसी ससिंद बढ़ाए प्रखंड विकास पदाधिकारी ठेठाई टांगर श्री मनोज कुमार पहुँच स्वास्थ्य केंद्र के खाली पड़े कमरों का आकलन किया जहाँ उन्होंने सभी कमरों शौचालयों पानी बिजली इत्यादि का जायजा लिया उपलब्ध कमरों में लगभग चार व्यक्तियों का ठहराव किया जा सकता है इस दिशा में अनुमंडल पदाधिकारी ने उपायुक्त सिमडेगा श्री मतुंजय कुमार बरणवाल के आदेशानुसार स्वास्थ्य केंद्र बम्बल केरा में क्वारंटाइन केंद्र बनाते हुए प्रवासियों का ठहराव होने से पूर्व उनकी मूलभूत सुविधाएं भोजन पेयजल व अन्य सुविधाएं बहाल करते हुए प्रवासियों का ठहराव किया जाएगा आपको बताते चले कि जिला मुख्यालय स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज को क्वारंटाइन केंद्र में परिवर्तित करते हुए लगभग 500 प्रवासियों का ठहराव कराया जा चुका है जहाँ उनकी मूलभूत सुविधाएं बहाल करते हुए भोजन पानी शौचालय की व्यवस्था की गयी है सुबह दोपहर एवं शाम तीन पहर प्रवासियों को भोजन कराया जा रहा है अखंड भारत न्यूज के लिए वीरेन्द्र तिवारी की रिपोर्ट सिमंडे కిలిగా.